अभी हमारे साथ है आशीष गहलोत। जो लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं उनके लिए ये किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, क्योंकि आशीष गहलोत ने सीएलसी के यहाँ पढ़ाई कर एम्स दिल्ली जैसे बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में अपना एडमिशन पुख्ता करा है। और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि एम्स दिल्ली एक आपको मेडिकल कॉलेज के रूप में मिलना कितनी बड़ी बात है। तो आशीष गहलोत यहाँ पे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीएलसी के साथ आपका सफ़र कैसा रहा और एम्स दिल्ली जो आपको मिला है उसे जब आपको पता चला कि एम्स दिल्ली में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कैसा लगा? परिवार के उस पॉइंट के बारे में जानना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष गहलोत है। मेरा इस साल सिलेक्शन एम्स दिल्ली एंक 165 के साथ सीएलसी से हुआ है। मैं लास्ट ईयर पूरे साल सीएलसी में रह के प्रिपेयर कर रहा था सर। मैं बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा था और मेरा वो टाइम पीरियड काफ़ी एक गोल्डन टाइम पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे को बियॉन्ड स्टडीज़ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो हमें सीएलसी सिखाती है। तो मेरा काफ़ी अच्छा सफ़र रहा लास्ट ईयर। और इस साल मैं जब एम्स दिल्ली में सेलेक्ट होकर गया हूँ तो मेरी फैमिली भी खुश है और मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सी एल सी में क्या वो ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा स्कोर करने में सफलता मिली? सबसे पहले सी एल सी का कैंप और टेस्ट सीरीज वाला जो पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा रहा था, क्योंकि हम लोग रात को 7 से 12 तक कैंप करते थे और फिर हमारे एक परफेक्ट शेड्यूल बन गया था। और टेस्ट सीरीज में हमें रोज़ ऐसे प्रिपेयर करके जो भी हमारी मिस्टेक्स होती उन सबको देखने को मिलता। तो कैंप, टेस्ट सीरीज और फैकल्टी डाउट काउंटर, ये सब काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया सीएलसी का मेरे रिजल्ट के लिए। अच्छा, जो लोग नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा एक मोटिवेशन की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आपसे बेहतर कौन ही होगा जो ज़्यादा बेटर तरीके से उनको गाइड कर पाएगा? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो नीट एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताएं कि कैसे वो तैयारी करें। जैसा कि सब जानते हैं कि अभी 7 मई को नीट होने वाला है और काफ़ी कम टाइम रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर इस साल नीट फेस करने वाले हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करें, सीएलसी की टेस्ट सीरीज, जो क्वेश्चन पहले रॉन्ग हो चुके हैं पास्ट पेपर सारे चेक करें, पीवाईक्यूज चेक करें और एनसीईआरटीज को बार बार रिपीट पढ़े था, क्योंकि पेपर जो आता है वो आजकल एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है उसके लिए। तो एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें और जो भी पीवाईक्यूज है उन पर एक बार ध्यान दे दीजिए। अच्छा, एम्स हर बच्चे का सपना होता है जो भी डॉक्टर बनना चाहता है। आप तो एम्स में गए हैं, वहाँ पे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एम्स की कैसी लाइफ है, मतलब उसको लेकर इतना क्रेज क्यों है नीट एस्पिरेंट्स? सबसे पहले एम्स का कैंपस जो था, जो मैंने देखा वहाँ पे, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हमारे वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एरिया से बच्चे आते हैं, जिससे हमें काफ़ी अलग अलग जॉनर को फेस करने को मिलता है इंडिया के। और उधर पेशेंट जो भी आते हैं, जो भी ओपीडी वगैरह लगती है, उसमें काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट है जो हमें काफ़ी हेल्प करता है अपने आगे भविष्य के बारे में सीखने में। और मेन यहाँ पे रिसर्च लेके काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है हम लोगों को कि आप रिसर्च में जाएं, आप साइंटिफिक रिसर्च करें। तो उस वो भी एक अच्छा क्रेज है और उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है एम्स के अंदर। जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में दिखाया गया था कि बॉडी काटने को मिलती है, और मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको वो सब देख के थोड़ा शौक सा लग जाता है। तो आपका जब आपने वहाँ पे क्या क्या किया अभी तक, और जब आपने किया तो कैसा अनुभव आपको रहा? सबसे पहले जब मैं पहली बार डाइसेक्शन हॉल में गया था तो इस बार मेरे को मतलब ऐसा लगा काफ़ी कुछ जो सीखना था, काफ़ी जो करना था वो आज जाके कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे स्टार्टिंग में मोटिवेशन था, ऐसे आज हम ऐसे जैसे डाइसेक्ट करने वाले हैं तो हमने स्किन वगैरह हटाई, फैट वगैरह हटाया, तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हाँ, एनाटॉमी एक अच्छा पार्ट है, उसके अलावा प्रैक्टिकल में बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी भी होता है जो अच्छा दे रहा, मतलब जैसा अच्छा प्रैक्टिकल चल रहा है अभी। आपके पेरेंट्स भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटे को इतनी अच्छी सफलता मिली, कोचिंग ने आपको कैसे हेल्प करा, कैसे आपके बेटे को हेल्प करा? जब आपने एडमिशन करवाया था तो आपने क्या सोच के सीएलसी में एडमिशन करवाया, और क्या आपको लगा कि आपने जो फैसला लिया वो अच्छा रहा? वो तो अच्छा ही रहा, वो किसी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे जाके कोचिंग कराओ और वो मतलब वहाँ का कोचिंग और टेस्ट लेवल वगैरह सब अच्छा है, इसीलिए इसको यहाँ पे एडमिशन करवाया था। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। मदर भी हमारे साथ है, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है आशीष की सफलता पर? आशीष को डॉक्टर बनते हुए देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? आशीष क्या हमेशा से चाहता था डॉक्टर बनना?
यस यस सर, काफ़ी रेगुलर स्ट्रगल किया है इसने काफ़ी शुरू से, और वैसे हम लोग भी चाहते थे कि इसी फील्ड में जाए, और इसीलिए काफ़ी शुरू से हम लोगों ने ध्यान दिया, और इसके बाद आशी इम्प्रूव करता गया, और उसके बाद रियली काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, और पूरी फैमिली प्राउड करती है इज ऑल इन मदर। अच्छा, जब बेटा इस तरह से मतलब डॉक्टर बनने के लिए जाता है, इंजीनियर बनने के लिए जाता है, तो बहुत सारी खबरें हम ऐसे भी सुनते हैं कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, आपको कभी डर लगा ऐसा? बिलीव आशी पहले से ही बहुत मैच्योर है और फैमिली का सबसे बड़ा है, तो पहले से ही सेल्फ अंडरस्टूड है और काफ़ी अच्छे डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, और अपनी सिस्टर्स को लेकर और अदर जो कजन सिस्टर्स हैं उनको मोटिवेट भी करता है और उनको काफ़ी हेल्प भी करता है पहले से। अच्छा, आपको फिर क्या लगता है कि CLC में आपकी, जैसे आपको किसी ने सजेस्ट किया था, तो क्या आप भी और लोगों को सजेस्ट करते हैं? लोगों को, मेरे आशीष के एडमिशन होने के बाद मेरे ख्याल से जोधपुर से 10-15 एडमिशन हुए थे, और उसमें से 9-10 का तो सिलेक्शन ही हुआ है अदर इंस्टीट्यूट में, और वो सब ऑलरेडी रिकॉर्ड में। अच्छा, जब बच्चा घर पे रहता है ना, तो माँ हमेशा बहुत पैम्पर करती है, ये खा ले, ये कर ले, ऐसा है ना करके, और लेकिन जोधपुर से सीकर मतलब 350 किलोमीटर दूर आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, हॉस्टल में रहा, तो आप कैसे मतलब संभालती थी कि बच्चा सही टाइम से उठ रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है? पहले से इनका शेड्यूल हमने नोटिस कर लिया था कि बॉस की सब चीज़ों को नोटिस करते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होगा उसको अगर कुछ लाइफ में वाकई में करना होगा तो बिस्तर तो छोड़ना ही है, और स्ट्रगल तो हर जगह है, पहले से मेच्योर है, बल्कि यहाँ का जो शेड्यूल जो दे रखा है इन्होंने वो पहले से इतना मेच्योर है कि आप उसमें हार्म भी नहीं होंगे और आपका इम्प्रूव डे बाई डे होगा, फर्स्ट डे में कोई रिजल्ट नहीं है, थोड़ा लंबा रखना पड़ता है, बट रियली गुड है। अच्छा, आप दादाजी हैं? अच्छा, पोते की खुशी में, पोते को जब सफलता मिलती है तो दादा तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता, 56 इंच का हो जाता, आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगा, और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा लगा, और हम तो यही कामना करते हैं कि सब बच्चे इसी तरह निकले। बहुत अच्छी बात है। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई सफलता आती है, और वैसे अगर देखें तो हर बच्चा जो साइंस लेता है उसका सपना नीट क्लियर करने का होता ही होता है, तो साइंस हर एक बच्चा नहीं लेता, जिसका लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में वो लेता है, लेकिन सपने कई बार बच्चों के टूट जाते हैं, लेकिन CLC एक ऐसा जौहरी के रूप में मिला, क्योंकि हर बच्चा हीरा होता है लेकिन उसको रगड़ के एक हीरे का रूप देने वाला श्रवण जी ने CLC के रूप में ये जो सेटअप तैयार किया है सिक्कर के अंदर, तो हमें तो खुशी है क्योंकि हमारे घर में है, लेकिन ये खुशी अगर बहुत सारे घरों में पहुंच रही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे CLC से ही पढ़कर एम्स दिल्ली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को, और इनका ये एक्सपीरियंस था जो आपके सामने हमने रखा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप अभी किस स्टेज पर है, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।